आप ये तस्वीरें देख रहे हैं पंजाब के सिर्फ फेसबुक पर लाइव गोहाना से। गोहाना में आज सड़क कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले जो है कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं सभी विभागों के, और आज ये यहाँ से जो है सोनीपत जिला मुख्यालय पर जाएंगे और हल्ला बोल कार्यक्रम प्रदर्शन करेंगे। अपनी मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी संघ आज पूरे प्रदेश भर में। कर्मचारी से भी बात करेंगे कि भी इनकी क्या मांगे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इनसे बात करते हैं कि आखिर जो है आज किन मांगों को लेकर जो है कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग, ठेका प्रथा बंद करने की मांग, निजीकरण पर रोक लगाने की मांग, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं इसमें पंजाब के केसरी फेसबुक पर लाइव गोहाना से। गोहाना के फुआरा चौक पर जो है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले जो है कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए। आज ये सभी कर्मचारी जो है यहाँ से इकट्ठा होकर सोनीपत डीसी कार्यालय के बाहर हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। महिलाएं भी बड़ी संख्या में हैं यहाँ पर। कर्मचारियों से भी बात करते हैं कि क्या मांगे हैं उनकी। आज जो प्रदर्शन कर रहे हो क्या पूरा मामला है, कहाँ जाओगे बताओ? आज का जो प्रदर्शन है, आज सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे हरियाणा के अंदर सभी डीसी कार्यालयों के ऊपर सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित सभी यूनियनों का धरना है, और इसमें समान काम समान वेतन लागू करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, ठेका प्रथा बंद करो, निजीकरण पर रोक लगाओ, पुरानी पेंशन बहाल करो, वेतन विसंगतियां दूर करो, आदि अन्य मांगों को लेकर 21 सूत्री मांग पत्र जो पहले दिया हुआ है डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को, उस मांग के पत्र के ऊपर आज डीसी महोदय के माध्यम से सीएम को जगाना है और 4 घंटे का वहां धरना प्रदर्शन और के माध्यम से सरकार को जगाना है। ठीक है, और भी कर्मचारी नेता हैं, इनसे पूछते हैं सर जिस तरह से प्रदर्शन कर आज जो प्रदर्शन कर रहे हो यहाँ किस किस विभाग के कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं, क्या मांगे हैं? आज आप जो प्रदर्शन करें, हमारे कर्मचारी संघ के सभी ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी हमारे साथ हैं, सभी कर्मचारी एकजुट होकर आंदोलन करेंगे सरकारी खिलाफ। क्या मांगे हैं? 21 सूत्री मांग पत्र हमारा मेरे ने बता दिया, हमारे कच्चे कर्मचारियों ने पक्का करने की है, वेतन विशुद्धता दूर करने की है, प्रश्न बाली की मांग है, समान काम स्वामी वेतन की मांग है, कई मांग हमारी 21 सूत्री मांग पत्र हम दे रहे सरकार को कर रहे हैं, और हम चाहते हैं सरकार से हमारे से बातचीत करें, हमारे कर्मचारी नेताओं से और हमारी बात पर समाधान करें। सरकार अगर आपकी बात अब भी नहीं मानती तो फिर आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारा आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा हमारा, हमारे जो नेता हमारे को आदेश देंगे उसको हम खड़े करेंगे। ठीक है, अध्यापक संघ से भी पहुँचे हैं नेताजी, क्या कहना है?
जो सरकार को बार बार कर्मचारी चेताते हैं लेकिन सरकार ट्रस से मस नहीं हो रही। महकमों का लगातार निजीकरण किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा होकर के बिना चर्चा हुए संसद में पास कर दी जाती है। लोगों को अनपढ़ रखने की जो योजना है सरकार की और जो लेबर कोड है लगातार उनमें पूंजीपतियों के हित में कोडों में बदलाव किया जा रहा है। तो सरकार के लिए आज पूरे डीसी दफ्तरों पर एक ये सर्व कर्मचारी संघ की रैली है और ये सरकार को चेताया जाएगा। अगर समय रहते सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को दूर नहीं किया तो इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। इसके लिए चाहे हमने कुर्बानियां कितनी बड़ी देनी पड़े, चाहे जेल भरनी पड़े, चाहे सस्पेंशन भोगनी पड़े, कर्मचारी पीछे नहीं हटेगा। तो कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर रोष में है। आज जिस तरह से आज इकट्ठे हुए हैं सारे विभाग के, आप भी यहाँ पहुंचे हैं, तो क्या कहना समर्थन देने के लिए बताओ। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज पूरे हरियाणा सत्र के ऊपर जिला उपायुक्त कार्यालयों के ऊपर हमारा सर्व कर्मचारी संघ का ये हल्ला बोल रैली है। क्योंकि हरियाणा जो सरकार है तो बैक फुट पर चली जाती है। कर्मचारियों से मुख्य मांगे हैं कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना है, निजीकरण को हटाना है और अनुकंपा अधिनियम 1968 जो एक्सग्रेसिया पॉलिसी है उसको बहाल करना है, पुरानी पेंशन को बहाल करना है। इन तमाम मांगों को लेकर के आज ये पूरे हरियाणा में प्रोग्राम है। अगर इसके माध्यम से सरकार नहीं चेतती तो इस प्रोग्राम को और भी तेज किया जाएगा, जिसमें हड़ताल भी हो सकती है, जेल भरो आंदोलन भी हो सकता है, अमन अनशन भी हो सकता है, इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की। बिल्कुल, तो लगातार जो है कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो और भी विभाग के कर्मचारी पहुंचे हैं। क्या कहना है चित्रा से, किस विभाग से कर्मचारी? नगर पालिका में जो मार्गों बहुत परेशानियां उठाई जा रही हैं, जो भी मांगे हमारी पूरी की जाएगी, वो दिक्कत में हमारे को जो पक्का किया जाए। 300 रुपया में ये काम कर रहे हैं, मैं वो ब्रांड मैटी में साथ जा जिनका, इनको पक्का किया जाए। बिल्कुल, तो कर्मचारी अपनी मांगों को लेके जो है आज गोहाना से यहाँ सैकड़ों संख्या में जो है रवाना हो रहे हैं। ये सोनीपत जिला मुख्यालय पर जाकर जो है 4 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों का कहना सरकार जब भी नहीं चाहती तो इनको चाहे आगे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे।